सूरत में ट्रेन को डिरेल कराने की साजिश का खुलासा हुआ और पुलिस ने साजिश में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कामयाबी मिली है। तीनों आरोपी रेलवे के ही कर्मचारी हैं। प्रमोशन पाने के लिए रेलवे कर्मचारियों ने दरअसल ये साजिश रची थी। तो आरोपी गिरफ्त में आ गए हैं। एक बड़ी कामयाबी मिली है सूरत में, जो कि ट्रेन डिरेल कराने की साजिश रची गई और इस तरह ट्रेन पर ये जो फिश प्लेट आप देख रहे हैं खुली हुई मिली, उसके बाद ये पूरी साजिश की आशंका रही। अब इस मामले में तीन गिरफ्तारी हुई है, तीन रेलवे के ही कर्मचारी हैं। दो तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं पुलिस की गिरफ्त में कैसे गुनहगार आ गए हैं और वो साजिश जो उन्होंने 21 सितंबर को रची थी, रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट खोलकर ट्रैक के ऊपर रखी गई। इस वारदात में रेलवे के ही तीन कर्मचारी शामिल थे। जब मामले की जांच हुई तो तीनों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल भी किया है। शुभम, तीनों ने कन्फेस किया कि प्रसिद्धि के लिए और इनाम के लिए तथा जो नाइट पेट्रोलिंग चल रही है वो अभी बंद होने वाली है, तो वो थोड़ा नाइट पेट्रोलिंग ज़्यादा चले ताकि इनको डे का ऑफ भी मिल पाए। इन दो मोटिव के चलते इन्होंने ही खुद ये पैडलॉक और ये फिश प्लेट निकाला। घटना से जुड़े हुए, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए और पब्लिक सेफ्टी से जुड़े हुए और भी जो जो सारे एंगल हैं उन सब पे भी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूरा घटना का रिकंस्ट्रक्शन करके आगे की कार्यवाही करेगी। और आइए आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसकी डिटेल में जानकारी देते हैं। 21 सितंबर को दरअसल सूरत में रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन को डिरेल कराने की साजिश रची गई। रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट खोलकर ट्रैक पर रखी गई और पुलिस ने जांच के लिए 16 टीम इस मामले में गठित की थी। जांच पड़ताल के लिए NIA, गुजरात ATS और अन्य एजेंसियों ने इसकी जाँच की। रेलवे के तीन कर्मचारी ही इस पूरी साजिश में शामिल रहे, सुभाष कुमार पोदार, मनीष कुमार मिस्त्री और शुभम जायसवाल इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। जिन आरोपियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तीनों आरोपियों पर ट्रैकमैन के तौर पर ट्रैक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी रही। इन लोगों ने ज्यादा पैसा कमाने और रात में गश्त जारी रखने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था और ये साजिश रची थी।